हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं NFSU में जो बिना किसी एडमिशन टेस्ट के, बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट के कंडक्ट होती है, एंड आप मेरिट बेसिस पे इन कोर्सेज को कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं उन सभी कोर्सेज के बारे में बताऊं जिसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रही NFSU। ओके, सो आज हम उसी पे ही बात करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपकी एडमिशन पॉलिसी की PDF है जो NFSU के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF मैं वहाँ पर शेयर ज़रूर कर दूँगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, जो BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए है, MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है, उन सभी की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। आप चाहे तो वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कोचिंग। इन सारे के सारे कोर्सेज में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या है, कैंपस कहाँ कहाँ पे है, कितनी सीट्स हैं, सेमेस्टर फीस कितनी होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, सिलेबस तो रहेगा ही नहीं और क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट भी नहीं है क्योंकि किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्जाम हो नहीं रहा है। ओके, सो सबसे पहला कोर्स है PG डिप्लोमा फिंगरप्रिंट साइंस में। ओके, सो PG डिप्लोमा फिंगरप्रिंट साइंस 1 साल का कोर्स है, PG कोर्स है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप डायरेक्ट अपनी स्कूलिंग के बाद ये कोर्सेस नहीं कर सकते, आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए। ये कैंपस गांधीनगर के कैंपस में, दिल्ली के कैंपस में, भोपाल के कैंपस में और पुणे एकेडमी में भी आपको डिप्लोमा मिलेगा, PG डिप्लोमा मिलेगा फॉरेंसिक साइंस, सॉरी फिंगरप्रिंट साइंस में। गांधीनगर में 20 सीट्स हैं, दिल्ली में 20 सीट्स है, भोपाल में 20 सीट्स है एंड पुणे एकेडमी में भी 20 सीट्स है। 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है, 1 साल का कोर्स है तो टोटल कितने सेमेस्टर होने वाले हैं, 2 सेमेस्टर होने वाले हैं एंड 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास बैचलर की डिग्री या उसके रिलेवेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। साइंस की डिग्री चलेगी, मेडिसिन की डिग्री चलेगी, फॉरेंसिक साइंस की डिग्री चलेगी, फार्मेसी की डिग्री चलेगी, इंजीनियरिंग अगर आपने करी तो उसकी डिग्री भी चलेगी। मिनिमम 50% एग्रीगेट आपका होना चाहिए एंड रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ 45%। ओके, एडमिशन कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट मार्क्स ऑब्टेंड इन योर डिग्री। तो ये तो कुछ सेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो गया। अगेन वी हैव फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिजिबिलिटी, अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है मिनिमम 50% एग्रीगेट के साथ या फिर आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फिंगरप्रिंट साइंस के फील्ड में तो भी आपको एडमिशन इसमें मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव PG डिप्लोमा इन डॉक्यूमेंट फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, 1 साल का ही कोर्स है, गांधीनगर में 20 सीट है, दिल्ली में 20 सीट है, भोपाल में 20 सीट है, पुणे अकेडमी में भी 20 सीट्स है, गुवाहाटी अकेडमी में भी 20 सीट्स है, मणिपुर अकेडमी में भी 20 सीट्स है। फीस कितनी है, 20,000 रुपीज़ फीस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज काइंड ऑफ सिमिलर, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट साइंस की जगह पर अगर आपका डॉक्यूमेंट भी है तो भी चलेगा, फिंगरप्रिंट साइंस है तो भी चलेगा। डिग्री चाहिए साइंस, मेडिसिन, फॉरेंसिक साइंस, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, साइंस में अगर आपने कराया तो 50% एग्रीगेट के साथ आपके प्रीवियस डिग्री में जितने भी मार्क्स आए थे उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज PG डिप्लोमा इन क्राइम सीन फोटोग्राफी, 1 साल का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंपस में अवेलेबल है, 20 सीट है, 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट है 50% एग्रीगेट होना चाहिए एंड रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 45% एग्रीगेट होना चाहिए और आपके प्रीवियस डिग्री के बेसिस के मेरिट मार्क्स के अकॉर्डिंग, मेरिट उसी से बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी एंड आपके प्रीवियस मार्क्स के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। देन वी हैव PG डिप्लोमा इन DNA फॉरेंसिक्स, 1 साल का कोर्स है, भोपाल में 20 सीट है, पुणे अकेडमी में 20 सीट्स है, ऑफकोर्स 20 सीट है, गुवाहाटी अकेडमी में 20 सीट्स है। फीस इज सिमिलर, 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर। अगर आपके पास डिग्री है साइंस की, फॉरेंसिक साइंस की, मेडिसिन की, फार्मेसी की, सो 50% आप एग्रीगेट के साथ या फिर अगर रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 45% एग्रीगेट के साथ एडमिशन आप ले सकते हैं। देन वी हैव PG डिप्लोमा इन क्राइम सीन मैनेजमेंट, 1 साल का कोर्स है, गांधीनगर में 20 सीट है, भोपाल में भी 20 सीट्स है, धारवाड़ में भी 20 सीट्स है, पुणे एंड मणिपुर अकेडमी में भी 20 सीट्स है, 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। किसी भी साइंस के डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो 50% एग्रीगेट एंड स्पेशल कैंडिडेट्स मतलब रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 45 एग्रीगेट मार्क्स जो हैं वो काम करेंगे।
देन वी हैव पीजी डिप्लोमा फॉरेंसिक जर्नलिज्म में, 1 साल का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ गांधीनगर में अवेलेबल है, 20 सीट्स हैं, 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, एटलीस्ट 50% एग्रीगेट होना चाहिए या 45% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। देन वी हैव पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स, 1 साल का कोर्स है, गुवाहाटी अकेडमी, मणिपुर अकेडमी में 20-20 सीट्स हैं, यस 20-20 सीट्स हैं, 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। अगर साइंस, फॉरेंसिक साइंस, मेडिसिन, फार्मेसी में अगर एग्रीगेट 50% है या 45% फॉर रिजर्व कैंडिडेट, सो आपको एडमिशन मिल जाएगा मेरिट के बेसिस पे। मूविंग टू पीजी डिप्लोमा साइबर फिजिकल सिस्टम, 1 साल का कोर्स है, गांधीनगर में अवेलेबल है, 20 सीट्स हैं, 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। अगर आपकी डिग्री है साइंस है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी में, तो 55% एग्रीगेट होना चाहिए। इन केस कैंडिडेट्स रिजर्व कैंडिडेट अगर हैं तो 50% प्रीवियस आपके मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। पीजी डिप्लोमा साइबर साइबर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, यस। सो 1 ईयर का कोर्स है, मणिपुर अकेडमी में, 20 सीट्स हैं, 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। अगर आपने बीई करी है, बीटेक करी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है, टेक्नोलॉजी से आप हो, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आप हो, CSE, IT, ICT, CS, ये सारे के सारे स्ट्रीम से अगर आपने 55% एग्रीगेट अगर आपके पास है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, 50% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। देन वी हैव पीजी डिप्लोमा सेमीकंडक्टर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, 1 साल का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, पीजी डिप्लोमा कोर्स है, गांधीनगर में, 20 सीट्स, 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस। अगर आपने BSc करी है, MSc करी है फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, IT से, कंप्यूटर साइंस से, सो 55% एग्रीगेट रिक्वायर्ड है। रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 50% एग्रीगेट रिक्वायर्ड है। देन वी हैव पीजी डिप्लोमा सिक्योरिटी स्टडीज, 1 साल का कोर्स है, डिप्लोमा कैनाइन फोरेंसिक 6 मंथ्स का कोर्स है, पीजी डिप्लोमा सिक्योरिटी स्टडीज, 1 साल का कोर्स, गांधीनगर में, 20 सीट, 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस। अगर किसी भी स्ट्रीम से बैचलर्स की डिग्री करी है, 50% इक्विवेलेंट, 50% एग्रीगेट है उसके इक्विवेलेंट है तो एलिजिबल हो, 45% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। डिप्लोमा कैनाइन फोरेंसिक्स 6 मंथ का कोर्स है, डेली में अवेलेबल है, 20 सीट्स हैं, 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। ओके, अगर आपने सक्सेसफुली पुलिस डॉग हैंडलिंग कंप्लीट कर ली है, 3 साल का एक्सपीरियंस है डॉग हैंडलिंग में, या फिर आप 12th पास हैं, 50% अगर मिनिमम है आपके पास एग्रीगेट मार्क्स, या फिर बैचलर डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम से करी है विद 50% मार्क्स, आप इसमें अपनी डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। यस, आपके प्रीवियस जो भी एग्जाम आपने दिया है उसमें जितने भी मार्क्स उसके बेसिस पे। देन वी हैव पीजी डिप्लोमा साइबर साइकोलॉजी, 1 साल का कोर्स है, पीजी डिप्लोमा इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी, 1 साल का कोर्स है, गांधीनगर में ही, 20-20 सीट्स अवेलेबल है। अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में, एग्रीगेट 55%, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 50% तो आप एडमिशन ले सकते हैं। देन वी हैव पीजी डिप्लोमा ह्यूमैनिटेरियन फोरेंसिक्स, पीजी डिप्लोमा डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, 1 साल का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ गांधीनगर में अवेलेबल है, 20-20 सीट्स हैं, लाइक अलॉन्ग विथ 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस। अगर आपने फॉर पीजी डिप्लोमा डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, कोई भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं विथ 50% एंड 45% मिनिमम एग्रीगेट। एंड जो पीजी डिप्लोमा ह्यूमैनिटेरियन फोरेंसिक्स की है, इट इज़ फॉर फोरेंसिक के स्टूडेंट, फोरेंसिक साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, आयुष के किसी भी कोर्स में अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, 50% या 45% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स, आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी हाइजीन एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, 1 साल का कोर्स है, गांधीनगर में अवेलेबल है, 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। अगर आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स ऑलरेडी कर लिए किसी भी डिसिप्लिन में, साइंस के, इंजीनियरिंग, IT, टेक्नोलॉजी विथ 50% एंड 45% मिनिमम मार्क्स के साथ। देन वी हैव BBA LLB ऑनर्स, 5 साल का कोर्स है, ऑफकोर्स BBA LLB 5 साल का कोर्स है, डेली में अवेलेबल है, 40 सीट्स अवेलेबल है, 65,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको फीस देनी है। अगर आपने क्लैट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है उसके रिजल्ट के बेसिस पे, या फिर 10+2 में आपके जितने भी रिजल्ट आए हैं, जो भी रिजल्ट आया है सब्जेक्ट के साथ, 50% मिनिमम या 45% रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए। सारे के सारे क्लैट स्टूडेंट्स उनके रैंक के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। देन वी हैव BSc LLB ऑनर्स, 5 साल का कोर्स है, गांधीनगर में, 40 सीट्स अवेलेबल हैं, 65,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। क्लैट क्लैट के एग्जाम के बेसिस पे एंड आपके 10+2 के बेसिस पे
आपको एडमिशन मिलेगा। क्लैट रैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। LLM साइबर लॉ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन 1 साल का कोर्स है, LLM कोर्स है, गांधीनगर में 20 सीट्स है, 60,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर कोर्स है। एडमिशन आपका PG क्लैट एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा या फिर आपकी LLB या फिर जो आपने लॉ करा हुआ है ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। देन वी हैव LLM क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, 1 साल का कोर्स है, गांधीनगर दिल्ली, 20 सीट्स हैं, 60,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। PG क्लैट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आप एडमिशन ले सकते हैं। PG डिप्लोमा ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज़ लॉ, 1 साल का कोर्स है, मणिपुर में ही, मणिपुर के कैंपस में ही अवेलेबल है, 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट्स 50% मिनिमम एग्रीगेट के साथ एडमिशन ले सकते हैं। रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 45% एग्रीगेट होना चाहिए। PG डिप्लोमा साइबर लॉ 1 साल का कोर्स है, गांधीनगर में 20 सीट्स, 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन करा है 50% अगर आपका मिनिमम एग्रीगेट बनता है एंड रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 45% अगर एग्रीगेट बनता है तो आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। PG डिप्लोमा इंटरनेट गवर्नेंस 1 साल का कोर्स है, गांधीनगर 20 सीट है, 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। अगर आपने बैचलर्स की डिग्री कंप्यूटर साइंस पब्लिक पॉलिसी लॉ के किसी भी स्ट्रीम से करा है विद एग्रीगेट ऑफ 50% एंड 45% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स, मेरिट के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थे वो सारे कोर्सेज जिनमें बिना किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इनके अलावा जितने भी और कोर्सेज हैं उनमें आपको एडमिशन टेस्ट देना होगा एंड उसके बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी एंड फिर आपको एडमिशन मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल आप सभी के लिए रही होगी एंड अगर ये हेल्पफुल है तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन एनी ऑफ आवर कोचिंग क्लासेस, एप्लीकेशन में सारा कुछ अवेलेबल है, टू डाउनलोड द एप्लीकेशन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू अस व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।